दोस्तों, जैसे आप लोग भी लेजी पे एप्लीकेशन का पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो विदाउट चार्ज के, तो वीडियो की स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग समझ में आएगा। इतना मैं कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी बता दूंगा भैया, एयरटेल सॉरी लेजी पे एप्लीकेशन का जो पैसा होता है उसको सीधे अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करते हैं विदाउट चार्ज के। तो दोस्तों, जैसे आप लोग भी ट्रांसफर करना चाहते हो विदाउट चार्ज के, वीडियो की स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग समझ में आएगा। इतना मैं कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद दूसरी कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी बता दूंगा भैया, लेजी पे एप्लीकेशन का पैसा कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं विदाउट चार्ज के। तो दोस्तों, जैसे आप लोग भी लेजी पे एप्लीकेशन का पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो विदाउट चार्ज के, तो वीडियो की स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोग समझ में आएगा। इतना मैं कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद कोई वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो में आपको पूरी जानकारी बता दूंगा कि लेजी पे एप्लीकेशन का पैसा कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं विदाउट चार्ज के। दोस्तों, आप लोग विदाउट चार्ज के ट्रांसफर कर सकते हो, तो क्या प्रोसेस है, कैसे क्या करना है, ए टू जेड पूरी जानकारी आप लोग बताऊंगा। तो बताने पहले दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप लोग ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं या बैंक से रिलेटेड कोई जानकारी आप लोग पाना चाहते हैं या कोई एप्लीकेशन के बारे में रिव्यू पाना चाहते हैं दोस्तों या कोई एप्लीकेशन बारे रिव्यू पाना चाहते हैं दोस्तों, क्या होता है प्ले स्टोर बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाती है, तो कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले कहीं ना कहीं उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं आप लोग का डाटा भी लीक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोग इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, तो अभी तक आप लोग चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में दबा दीजिएगा, ताकि कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आसानी से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो में जो मैंने बताया हूँ, अगर ये जानकारी आप सब लोग काम के लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग अच्छी तरह जानते हो भैया वीडियो कितने मेहनत से बनाई जाती है। तो चलते हैं दोस्तों, ज़्यादा ना टाइम लेते हैं, मेन पॉइंट पहले पहले दोस्तों एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप लोग भी मोबाइल से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, रेफर करके अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, रिचार्ज करके भी अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, दोस्तों एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, उस एप्लीकेशन से आप लोग अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। मैं बात करें पर डे का, मैं बात करें 1000 से 1500 रुपये तक का आप लोग उस एप्लीकेशन से आप लोग कमा कर सकते हैं रेफर करके। तो उस एप्लीकेशन का नाम है, यहाँ पर देख सकते हो, पायनियर बा एप्लीकेशन है। दोस्तों, मैं बात करें, यहाँ 5 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड कर रखे हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, अच्छी खासी रेटिंग भी है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझे ओपन पर क्लिक कर देना, यहाँ मैं आप सभी लोगों को पूरा फैसिलिटी बता दूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं पूरा डिटेल आपको बता रहा हूँ, यहाँ मुझे इस पर लॉगिन हो जाना है। और दोस्तों, मैं बात करी इस एप्लीकेशन के, मैं 2 साल से ज़्यादा हो चुका यूज करता हूँ, अच्छा खासा इस एप्लीकेशन से अर्निंग भी कमाता हूँ। यहाँ देख सकते हो, वेलकम टू पायनियर रिटेलर ऐप, UPI कोड का भी माध्यम है, आधार पे कस्टमर खाता, यहाँ रेफर करके आप लोग इस एप्लीकेशन से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अगर आप 5 लोगों को रेफर करते हो, अगर 2 लोग वहाँ पे इस एप्लीकेशन की आईडी ले लेते हैं, उनको आप बता दीजिएगा नंबर 1 की एप्लीकेशन है, आप अच्छा खासा ले लो, अगर 2 लोग ले लेते हैं तो आपको 600 रुपये कंपनी आपके अकाउंट में डाल देगी। और ऐसे अगर 2 लोग रोज लेते हैं तो 18 से 20 हज़ार रुपये तक का आपका महीने का हो चुका सिर्फ रेफर करके। यहाँ पे आधार विड्रॉ कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट है, माइक्रो ATM है, यानी छोटा वाला ATM से आप निकाल सकते हो, शॉपिंग कार्ड है, मनी ट्रांसफर, बचत खाता, बिल पेमेंट कर सकते हो, कोई भी कंपनी का आप लोग रिचार्ज भी कर सकते हो। यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे कमीशन भी मिलता है, DTR रिचार्ज कर सकते हो, डाटा कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, कैश कलेक्शन, इंटर अप्लाई पैन कार्ड का भी ऑप्शन है, यहाँ पे लोगों का अप्लाई पैन कार्ड यहाँ बना सकते हो, अच्छा खासा यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, सिर्फ 299 रुपये में इसी ID मिलती है। इंश्योरेंस है, ट्रेन टिकट है, माई शॉप इनकमिंग बिजनेस नियर। और यहाँ पे बात करें HDFC बैंक में आप अकाउंट भी, करंट और सेविंग अकाउंट भी यहाँ पे खोल सकते हो कस्टमर का, और अच्छा खासा यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। अगर वो अच्छा खासा करता है तो आपको अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे भी होगी। और दोस्तों, मैं बात करें माई करंट अकाउंट से HDFC बैंक में अगर खोलते हो तो अच्छा खासा आपको पैसा मिलेगा, अच्छा खासा कर सकते हो। गिफ्ट कार्ड है, 2 व्हीलर है, HDFC प्रॉपर्टी। और दोस्तों, जो भी यहाँ पर अगर करते हो, यहाँ पर माई रिपोर्ट पे आ जाना है, जो भी आप अगर रिचार्ज करते हो, जो भी करते हो, यहाँ पर माई रिचार्ज पे आ जाना है, यहाँ डेली सेल रिपोर्ट बता देगा, मनी ट्रांसफर जितना किया आप यहाँ से कर सकते हो, रिचार्ज रिपोर्ट आपको बता देगा, या आधार ATM ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बता देगा, बिल पेमेंट, ट्रेन मैनेज बुकिंग लोड वॉलेट, शॉपिंग कार्ड, रिटेलर रिपोर्ट, कैश कलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे जो भी पैसा होगा, अगर आप आधार विड्रो से यानी डिवाइस द्वारा पैसा निकालते हो तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हो, वॉलेट में आप यहाँ पे करके आप लोडिंग पे यहाँ पे आप ट्रांसफर कर सकते हो, अच्छा खासा। अब मैं बात करें, यहाँ पर देख सकते हो 86 रुपये। उसके बाद मुँह करना, आपको यहाँ पर मुँह पर क्लिक कर देना, जो भी पैसा अगर निकालोगे यहाँ पर
अकाउंट आपको ले लेना है। यहाँ पे अकाउंट लेने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ नीचे अपना अकाउंट नंबर जो भी है यहाँ पे आपको डाल लेना है। यहाँ पे दो अकाउंट नंबर में यहाँ पे लिंक कर रखा हूँ। आपको यहाँ पे एक्टिव कर लेना है। NFT करना चाहते हो, MPS करना चाहते हो, जितना पैसा आप सीधे अपने बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये पैसा सीधा यहाँ पे रिचार्ज है, उसके बाद रोलिंग रियल सोल्ट टीम है यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पर आपको आ जाना है। अगर मुँह करते हो आधार ट्रांजेक्शन अकाउंट स्टेटमेंट आप देख सकते हो, ट्रेवल एडवांस अकाउंट लेंडर PG ट्रांसफर बैंक डिपॉजिट ट्रांसफर मूव टू बैंक अकाउंट रिपोर्ट, यानी जितना आपने किया यहाँ पर आप लोग पूरा कर सकते हो। यहाँ से बात करें इस एप्लीकेशन से, आप 15 से 20 हज़ार रुपये तक का आप लोग कमा सकते हो। पर्सनल लोन यहाँ पे भी ऑप्शन आने वाला है, टू व्हीलर लोन भी है, SC बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी लोन यहाँ भी ऑप्शन आ सकता है। प्रॉपर्टी लोन भी आप यहाँ लोगों को दिला सकते हो। यहाँ देख सकते हो हम लोग लेना चाहते हो, शॉप लोन लेना चाहते हो, लोन एजेंसी प्रॉपर्टी यहाँ पर आप अप्लाई करा सकते हो। अच्छा खासा यहाँ पर आप लोग यानी इस एप्लीकेशन से अच्छा खासा कमा सकते हो। अब मैं बात करें इस एप्लीकेशन की ID लेने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो भैया आपको आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब दोस्तों मैं बात करें आप लोग कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन में ID पासवर्ड लेना चाहते हो, नीचे लिंक है, वहाँ से लिंक से डायरेक्टली आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर अपना ID बना सकते हो। और दोस्तों जो भी रहेगा आप कमेंट करेंगे मुझे जरूर बताना, मैं आप सभी लोग सपोर्ट करूँगा। अगर आप लोग ज़्यादा करना चाहते हो तो आप मुझे जरूर बताना। तो चलते हैं मेन पॉइंट पे, LazyPay एप्लीकेशन का पैसा कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। दोस्तों यहाँ मुझे LazyPay पे आ जाना है। तो दोस्तों आप लोग विदाउट चार्ज के LazyPay एप्लीकेशन का पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मुझे अपडेट मांग रहा है, तो मुझे अपडेट कर लेना। तो दोस्तों LazyPay एप्लीकेशन जो होता है इसका मैं बताना चाहता हूँ, यहीं पर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं। तो दोस्तों LazyPay एप्लीकेशन जो होता है यहाँ पर क्या है कि आपको लोन प्रोवाइड कराता है, यहाँ पर क्रेडिट होता है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन यहाँ लिखा हो LazyPay बॉय नो पे लेटर, यानी इसमें जो भी पैसा है आप मंत्रा से है, स्विगी से है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, यहाँ पे जो जोमेटो है, यानी ये सब जो कंपनी है यहाँ पे इस पे हैं, यानी इस पे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल में बात के लिमिट का आता है 25,000, 2,000, 3,000 यहाँ पर लिमिट आ जाता है। यहाँ लोन भी ले सकते हो। इसमें जो पैसा होता है इस यही सीधा आपको सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पैसा बहुत लोगों को ज़्यादा पैसा हो जाता है, उसको सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं तीन तरीका बताऊंगा, तीन तरीके से आप लोग LazyPay एप्लीकेशन का पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। तो पहला तरीका मैं बताना चाहता हूँ, अगर वहाँ पर पैसा ज़्यादा ना हो, अगर कम पैसा तो आप लोग यहाँ पर सामान ले सकते हो, कोई जोमेटो से सामान मंगा सकते हो, फ्लिपकार्ट से कोई सामान ले सकते हो, ये सब ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों क्या है, पैसा यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगा, आपका सामान यूज हो जाएगा। अब दूसरा ट्रिक बताना चाहता हूँ, अगर आप आसपास कोई सामान लेना चाहते हैं तो आप उससे बता दीजिएगा, भैया अगर आप कोई सामान लेना चाहते हो तो अच्छा खासा आपको सामान मिल जाएगा, तो आप यहाँ से उसको सामान दिला सकते हो। और दोस्तों कैश जो पैसा आएगा आप ले सकते हो। और उसके बाद तीसरा मैं ट्रिक बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक लिमिट आता है दोस्तों, लिमिट वहाँ पे देख लीजिए 25,000 का 30,000 कितना आएगा, उसके बाद लिमिट करके आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका मैं बताना चाहता हूँ, एक नंबर मैं नीचे दे दूंगा, एक भाई का मैं नंबर दे दूंगा, वो अमेजोन और LazyPay फ्लिपकार्ट ये सब का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराते हैं, 100% जेन्यू है। आप उनका मैं नंबर नीचे दे दूंगा, उनसे बता देना, और उनसे बता देना ये कि मैं भाई लिया टेक्निकल लिया भाई जी का मैं वीडियो देख के आया हूँ, मैं LazyPay एप्लीकेशन का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराना चाहता हूँ। आप उनसे बात कर लेना, वो आपका सीधा बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं, 100% वर्किंग है। मैं नंबर नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग LazyPay एप्लीकेशन का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। तो दोस्तों पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि आप कोई सामान ले सकते हो, और दोस्तों उसके बाद ले सकते हो। दूसरा मैं बताया कोई सामान अगर कोई लेना चाहे तो आप ले सकते हो, और तीसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप उनका लोग लेके नंबर नीचे है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके उनसे बता सकते हो, मैं टेक्निकल लियाज भाई जी का वीडियो देख के आया हूँ, मैं LazyPay एप्लीकेशन का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप उनसे बात कर लेना, आपको बताएंगे कुछ घंटे के बाद आपको सीधे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करा सकते हैं। तो दोस्तों नीचे नंबर मिलेगा, नंबर कहाँ मिलेगा, वीडियो के नीचे मिलेगा, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग LazyPay एप्लीकेशन का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से शेयर करना, ताकि और बहुत सारे लोग भाई को इन्फॉर्मेशन सही पता चल जाए LazyPay एप्लीकेशन का पैसा कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। और दोस्तों ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे आप लोग नए हैं अभी तक आप लोग चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, आसानी से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर नए हो
अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं बैंक से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन के बारे में इस पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बेल आइकन में दबा दीजिएगा, दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग लीजीपी एप्लीकेशन का पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।